मध्य प्रदेश घोटालों का प्रदेश बन चुका है, ये हम नहीं कह रहे बल्कि निशक्तजन एवं समाज न्याय भोपाल के कमिश्नर खुद कह रहे हैं। जी हाँ, निशक्तजन एवं समाज न्याय भोपाल कमिश्नर संदीप रजक ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, कई लोगों ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां हासिल की है। निशक्तजन एवं सामाजिक न्याय भोपाल के कमिश्नर संदीप रजक ने बताया कि मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई शिक्षकों की भर्ती में कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां हासिल की है। कमिश्नर संदीप रजक ने बताया कि इस तरह के मामले एक दो नहीं बल्कि 80 हैं। प्रदेश के सभी जिलों में फर्जीवाड़े की जाँच के निर्देश जारी किए गए हैं। अभी जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें 750 शिक्षक दिव्यांगजनों के जो है उसमें भर्ती हुए थे, उसमें हमारे पास शिकायतें आई थी कि कुछ लोग ऐसे भर्ती हो गए जिनने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है और नियुक्ति पाई है। तो इसके लेकर के हमने आयुक्त लोक शिक्षण और आयुक्त आदिम जाति विभाग को हमने नोटिस इशू किए थे जिस पर कार्रवाई हो रही है। और ऐसे लगभग 80 ऐसे जो शिक्षक भर्ती हो गए थे दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगा करके, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।